जिनाधीशं नमस्कृत्या संसारांबुधितारकं स्वान्यस्य हितमुद्दिश्य वक्षे सद्भाषितावलिं नमोऽर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूलं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान सकल कीर्ति महामुनराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना ही मनीषियों जीव के कल्याण का साधन है। जम्मम दुखम जरा दुखम, कल के सूत्र को यहां ध्यान रखना। जम्मम दुखम जरा दुखम, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोगा या मरणानिया, रोग भी दुख है और मरण भी दुख है। ये बात सुनना सरल है, मानना बहुत कठिन है। पंकज, सुनना सरल है, मानना बहुत कठिन है। किसी के यहां किसी का वियोग हो जाए तो सब समझाने पहुंच जाते हैं, और किसी के घर में स्वयं हो जाए तो उसको फिर कुछ ज्ञान नहीं होता। 10 लक्षण में लालू बहुत सारे त्यागी व्रति प्रवचन करने जाते हैं, बहुत सारे त्यागी व्यक्ति प्रवचन करने जाते हैं। आकिंचनो हम, मैं तो आकिंचन स्वरूपी हूं, पर पदार्थ मेरा है नहीं, पर पदार्थ मेरा हुआ था नहीं, पर पदार्थ मेरा होगा नहीं, ऐसे प्रवचन करते हैं पंडित जी। फिर आखिरी दिन यही कहते हैं, भैया लिफाफे में कम है। बोलो पंकज, ऐसा होता कि नहीं राजा भैया? बोले हम तो कुछ नहीं लेते, हम कुछ नहीं लेते। हाँ, आप टीका कर दो तो हम धन नहीं लेते, सोने की चैन ले लेंगे। बोले टीका सस्ता था, 11-21 का होता, चैन तो 50 से अच्छी चाहिए ना भैया जी के लिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमारी भैया साथ में आए, माता साथ में आई है, माँ इनके लिए जो करना तो कर दो, कुछ नहीं। बोले 2 किलो चांदी के बर्तन चाहिए बस, कुछ नहीं चाहिए। और प्रवचन आ किंचनो हम, सब देखा है, अनुभूत किया, इसलिए बता रहे हैं। आ किंचनो हम, ये तो पता है कि जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग भी दुख है, मरण भी दुख है। आगे क्या कह रहे हैं, अहो दुखो ही संसारो, अहो दुख ही संसार है और संसार ही दुख है। जत किसंति जंतो, जीव इसमें क्लेश को प्राप्त हो रहा है।
अब आगे बढ़ते हैं। रोग भी दुख है और पंडित जी राग भी दुख है, ममत्व भी दुख है। आज सुबह के स्वाध्याय में क्या निकला था प्रमित सागर जी? जो व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है अथवा जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, आराधना करना चाहता है, परिग्रह रहित होना चाहिए। समंत भद्र स्वामी ने भी यही कहा और कुंद कुंद स्वामी ने पंडित जी यही कहा, परमाणु प्रमाणम्बा, परमाणु प्रमाण भी मुच्छा धारे जो परद्रव्यम, जो परद्रव्य में मूर्छा धारण करता है, परद्रव्य में उसका राग है, दुर्गति का साधन है। और पूरा आगम का ज्ञान करने पर भी वो अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। पंडित जी, वस्तु का राग कितना क्लिष्ट देता है, फिर वस्तु का द्वेष कितना क्लेश देगा। ठंडी से भी लोग जलते हैं और गर्मी से भी लोग जलते हैं। ठंडी में देखो वर्तमान में कितनी ठंडी है, उन सैनिकों से पूछो जो -30 में ऊपर बैठे हैं पहाड़ों पे बॉर्डर में, खून जम जाता है, अंगुलियां टूट के गिर जाती हैं, इतनी ठंडी है राजा भाई, इतनी ठंडी है। -30 क्या कहलाता है बेचारे? सब्जी बनाना है उनको तो माना कि कोई सब्जी, कच्ची सब्जी आई तो हटोले से तोड़ते हैं फिर उबालते हैं, पानी उबाल के रखा उनने नीचे ठंडा, ऐसी भी ठंडी पड़ती है पंडित जी कि उनने पानी भर लिया गरम और जैसी हवा में फेंका तो पात्र से बाहर निकलती बर्फ बन गया। फिर भी देखो संसार इसी का नाम है। क्या उस जीव को शांति से जीवन जीने की इच्छा नहीं है कि हम भी बंगले में जिए? इच्छा तो है सुमी, लेकिन छह उपशम नहीं है कि वो प्राप्त कर पाए। समझो रास्ते में घूमते हुए स्वान को नहीं देखा, परवारी मोहल्ले में तो देखा है। आपको लगता है विनय भाई कि ये जानवर हैं इनको ठंडी नहीं लगती? भैया उनको भी ठंडी लगती है, लेकिन वो बने कैसे हैं? अहो दुखो ही संसारो, संसार ही दुख है। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात और है अभिषेक, उसी संसार में जन्म लेकर भगवान भी मोक्ष चले जाते हैं। भगवान ने कहां जन्म लिया है? तीर्थंकर बनने के पहले पर्याय में वो कहां थे? मध्यलोक में ही थे ना, संसार में ही थे ना, उनका मोक्ष कैसे हुआ? भाई अभिषेक नाम है आपका, भैया जन्मदिन है, खुशी का दिन है कि दुख का? बिल्कुल नहीं घबराना। देखो आप यहां पर आओ और सोचो कि हम प्रशंसा करें, टीका लगवाएं, इसके लिए कोई नहीं आया राजा भैया, सब अपनी धुलवाने आए हैं, मतलब अपने कर्मों को धोने आए हैं कि महाराज जी आप तो हमारी खोट बताओ। जो मुख पे प्रशंसा करे उसकी कभी नहीं मानना, सत्यार्थ प्रशंसा पीठ पीछे होती है पंडित जी। स्वयं छतरपुर का चातुर्मास कैसा था? यद्यपि तुमको कोई रोल मिला ही नहीं, लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन बेटा समाज में शांति है कि क्लेश है? हैं? हम ये क्यों कह रहे हैं? पीठ पीछे बुराई हो और पीठ पीछे प्रशंसा हो, कोई बुराई सामने करे पंडित जी मतलब वो श्रेष्ठ है,
और पीठ पीछे बुराई करे वो श्रेष्ठ नहीं है। प्रशंसा का इससे विपरीत लगाना, कोई पीठ पीछे प्रशंसा करे तो श्रेष्ठ है। क्यों विनय भैया, क्यों? मुख पे कभी निंदा जो कर रहा है वो आपका शत्रु नहीं है, मित्र है। चाटुकारिता भिन्न होती है, वाह वाह जी 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 जरूर जी जी वाह वाह बेटा। प्रियम भी बहुत सरल है। कभी आपने सुना अपने संग में इतने महाराजों के प्रवचन होते सुने ना, कभी किन्हीं महाराज ने माइक से आचार्य श्री की प्रशंसा की पूरे प्रवचन भर? नहीं। क्यों? जिसमें गुण है उसके गुण क्या कहना, वो तो है। आप तो ये बताओ कि हमारे अंदर गुण कैसे आए। अभिषेक भाई, आप यहां ये सुनने नहीं आए कि आज जन्मदिन है बहुत अच्छी बात है, आप ये सुनने आए हो कि जन्म ना हो दोबारा। महाराज जी आप तो ऐसा कुछ बताओ कि जो हमारे जन्म मृत्यु का नाश करे। निष्पक्ष सागर जी के भैया ना, आप यहीं के हैं टीकमगढ़ के भैया, यहां पर कोई भी व्यक्ति राग बढ़ाने नहीं आया, यहां जितने हैं वो राग घटाने आए हैं। विनय भाई वो सामने लिखा है ऋषभ प्रति आश्रम है ना। सहज सागर जी वहां आप कब तक हो? सहज सागर जी कह रहे हैं जब तक आप हो तब तक। अपरमेय सागर जी बोले आप जब तक हो तब तक हम हैं, और हम कब तक हैं? जब तक बुलने हैं बबुरा का, नहीं जब तक बबुरा का बुलने। और हम कब तक हैं बताएं, कब तक हैं? जब तक हमारा मन है। जब तक हमारा मन है तब तक हम हैं। फिर जहां मन होगा वहां जाएंगे, भवितव्यता जहां जिसका नियोग होगा वहां जाएंगे, उसको क्या है। राजा भैया 4 महीने बांध लेते हो आप साधुओं को, उसके आगे नहीं बांध सकते, उसके आगे आप बांध भी नहीं सकते, आपकी ताकत नहीं है। जैसे ही भगवान स्वामी महावीर स्वामी का हुआ मोक्ष और साधुओं का हुआ बंधन से मुक्ति, फिर विहार करते हैं। लेकिन भैया सहज सागर जी ज्यादा देर एक जगह मत रुकना, पानी सड़ जाता है। पंडित जी घर पे रह लेते हैं, बोलो पंडित जी, या आप आचार्य देवनंदी महाराज के पास गुरु जी के पास पहुंच जाते हो, यहां वहां कहीं क्षेत्रों पे नहीं, हमसे प्रीति इसलिए आ जाते हैं और कुछ नहीं है। कमेटी ने बोला कि आओ, आपको तो हमने कहा था कि पंडित जी आएंगे, पंडित जी कोई विकल्प नहीं, जहां गुरु जी वहीं हम। लेकिन पंडित जी आप हमारे पास कब तक हो? जब तक इनका मन है। ये मन क्या है? ये आपकी भवितव्यता है, आपकी राग की परिणति है। सही है राजा भाई, पुत्र भी पिता की तभी तक सेवा करता है जब तक राग की पूर्ति होती है। दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब एक दूसरे के राग में लगे हैं। जहां तुमने राग की पूर्ति बंद की वही मित्र शत्रु बन जाता है। लालू अनुभूत करना, चौका लगा लालू के यहां और हमारे आहार ही नहीं हुए। वही लालू जय जय गुरुदेव करता था, अब कह रहा है जाओ जाओ गुरुदेव। पक्की है पंकज बेटा, पक्की है। अपना तो पक्का निर्णय है, हम किसी को अपना मान के चलते ही नहीं है, हम किसी को अपना मान के नहीं चलते। क्यों? हमें पता है जब तक राग की पूर्ति है दुनिया आपके साथ है,
जिस दिन राग की पूर्ति समाप्त होगी प्रियम, बेटा माता पिता भी तुमको छोड़ देंगे। विनी पक्की रखना भाई बात, 100% है। नहीं हो विश्वास, तुम आज अंजुल भैया से 3 घंटे की क्लास ले लेना। जब तक राग की पूर्ति करोगे, सब तुमको परमात्मा मान रहे हैं, और लालू राग की पूर्ति बंद कर दो तुम्हें सब भगा देंगे। ध्यान रखना भैया, जम्मम दुखम जरा दुखम रागो या मरणानिया, इसमें एक शब्द और जोड़ लो, रोग और राग, ये पर्यायवाची है पंडित जी। रोग और राग पर्यायवाची है, कैसे बताएं? जहां जहां राग होता है वहीं वहीं रोग होता है। व्यक्ति को एलर्जी उसी चीज से होती है जो उसको पसंद होती है खाने में। कोमल दादा, जिस व्यक्ति को भोजन में जो चीज पसंद हो उसको उसी से रोग बनता है। बताएं क्यों? क्योंकि वो उसका सेवन अधिक अधिक करता है। देखो आप, बचपन में वो चौक या बत्ती खाने की आदत हो जाती है ना, उसी से तो रोग बढ़ते हैं। ये बॉडी में फैट कैसे बढ़ रहा है सुमी? रोग क्यों बढ़ रहे हैं? क्यों? आप ऐसा भोजन कर रहे हो जिसमें शक्ति नहीं है, स्वाद भी नहीं है, स्वीकारना इसको। केवल आपके भोगों को शांति मिल रही है, यश, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। चौके का भोजन क्यों बिनी? चौके का भोजन शाम तक चलता कि नहीं? एमी ऊपर देख भाई, जब आपके यहां भी चौका लगा था, अभी तुमने भोजन किया था सुबह, शाम को करने की भोजन करने की इच्छा होती थी, क्यों? शुद्ध में ठोस रहता है, शुद्ध में कैडबरी शुद्ध ठोस है। और जहां तुमने कुंडल चैन बनाई तो टाका बट्टा कटा, समझा ली भाई? अभी हम पीछे जंगल गए थे, कुछ पीले पत्थर पड़े हैं बताएं, और कुछ लाल मिट्टी के पत्थर बन के दीवार में चुने हुए हैं। जो बिल्डिंग की दीवार है वो ईंट की है, कुछ पीले पत्थर वहां पड़े हैं, ठीक है। उम्र किसकी ज्यादा है, पत्थर की कि ईंट की? राजा भाई, क्यों? पत्थर ठोस है, पत्थर ठोस है, लेकिन पीड़ा कौन देगा? पत्थर की ईंट नहीं, जिसमें राग है पीड़ा वही देगा। हर्ष कौन देगा आपको? जिसमें राग है वो हर्ष देगा, जिसमें द्वेष है वो विषाद देगा। ठंडी भी जलाती है और गर्मी भी जलाती है, माध्यस्थ परिणति कभी नहीं जलाती। ये भगवान की स्थापना हुई थी याद है आपको, वो वेदी के तीनों भगवान रखे थे दादा ने, और बहुत सारे लोग बाहर के आए थे, सबने एक प्रतिमा की यहां पर स्थापना की थी। लेकिन बताएं, राग की दृष्टि से बहुत देखे हम लालू, वो मूर्ति हमारी प्रेरणा से रखी है, आचार्य श्री की प्रेरणा से नहीं रखी। अभी राग की दृष्टि से देखना, हम जो कह रहे हैं हम एक रागी बन के कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि मूर्ति की प्रतिष्ठा हमारी प्रेरणा से हुई थी, तो संस्कार आचार्य श्री ने किए थे तो क्या हुआ? अब दर्शन करने की दृष्टि बदल जाएगी, अब हमारे मन में ये आएगा कि विनय भाई वेदी में हमारा नाम तो लिखवा दो कि हमारी प्रेरणा से मूर्ति रखी। अब भगवान नहीं दिख रहे पंडित जी, अब राग दिख रहा है, बहुत अंतर आ गया पंडित जी। जो भी आप काम करो अभिषेक भाई, जो भी काम करो, काम करने की मनाही नहीं है,
क्रियाओं के लिए मना नहीं कर रहे, मना किस लिए कर रहे हैं बताएं? क्रियाओं में अति राग मत करो। ये एक नहीं, ऐसी बीसों रख चुके हैं आचार्य जी के सानिध्य में। लेकिन पंडित जी, व्यक्ति छोटे से लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देता है, छोटे से लाभ में। भाई सुन रहे नहीं सुन रहे? छोटे से लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ देता है, और वो एक रुपए कमाने चक्कर में 500 का नुकसान कर देता है। बताएं कैसे? संग में उस चीज को हमने देखा है, आचार्य श्री बैठे तखत पे, साधु बैठे सब सामने, भक्ति चल रही है, और कुछ बहुत ज्यादा ज्ञानी श्रावक होते हैं वो बीच से घुस जाते हैं। साधुओं को पैर लग रहा है, उनको कोई विकल्प नहीं। जिनवाणी में पैर लग रहा है, उनको कोई विकल्प नहीं। महिलाओं को कोई विकल्प नहीं कि धक्का लग रहा है कि महाराज जी को भी नहीं लग रहा। जाकर के उनने नमोस्तु किया। हम धीरे से सोच लेते हैं, बेचारे ने 5 कमाए और 500 गवा दिए। छोटे से लाभ के चक्कर में बड़ा लाभ छोड़ दिया। भैया सही है कि नहीं? कार्तिक सही है कि नहीं? अपनी पर्याय की किसी को चिंता है ही नहीं, अपने द्रव्य की किसी को चिंता है ही नहीं। एक भी व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसको अपने द्रव्य की चिंता है। अंजुल भैया, संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी होना चाहता है, एक भी व्यक्ति नहीं है। अच्छा, शांति किस किस को चाहिए? राजा भैया शांति चाहिए, सुख चाहिए कि शांति? सुख चाहिए कि शांति? बताओ। सोने की थाली में सोने की कटोरी और सोने की चम्मच में काजू की खीर खाओ, लेकिन 24 घंटे क्लेश रहे। सुख चाहिए कि शांति? अली भाई हैं? पक्का भाई? शांति चाहिए है तो राग छोड़ना पड़ेगा। गौरव, कल भाई हमारी जो शाम की सामायिक हुई है ना, बताएं ईमानदारी से, पपौरा आने के बाद हमारा वैराग्य और बढ़ गया। ईमानदारी से कह रहे हैं, यहां आने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमारी साधना बहुत अच्छी है, अब हमें और अच्छे से साधु था और साधु बनना है। पहले हमको लगता था पंडित जी हम कुछ नहीं करते, दिन भर क्या है पढ़ना पढ़ना। मालूम चला राजा भैया हमको कल वास्तविकता में हमको अपनी पीठ ठोकना चाहिए, कोई मान से नहीं कह रहे, हाँ हमको अपनी 100 प्रशंसा करना चाहिए, हाँ तुम्हारी साधना अच्छी है। साधु होना और साधुता होना दोनों में बहुत अंतर है। लालू बेटा पता कब चलता है बताएं? जब बीतती है, नहीं तो पूरा विश्व अंधा है अंधा। बुंदेलखंड में कहते हैं, जाके फेर फटे ना बिमाई, ते का जाने पीर पर आई। जब बीतती है राजा भैया, तब व्यक्ति को सत्य मालूम चलता है। अरे हम जिसको स्वादिष्ट फल मान रहे थे वो किम्पाक फल है, जहर है। लेकिन बोल नहीं सकते आप, क्यों? क्योंकि मोहल्ले मोहल्ले बोई लगा है, कुछ नहीं कर सकते आप उसमें। आप मध्यस्थ हो, अपनी पर्याय की, अपने द्रव्य की रक्षा करो। राजा भाई अपने द्रव्य की रक्षा करना, ये वाले की नहीं, ये तो गया आता है जाता है, इसकी नहीं बात कर रहे हम। अपने द्रव्य की रक्षा करना भैया, एक सुई की नोक बराबर द्रव्य में भी राग रह गया उसी में कीड़ा बनना पड़ेगा। बिनी बेटा दृढ़ निश्चय करना, जो हम तुमको आज कहना चाहते हैं कह रहे हैं, ये हम तुमसे 6 महीने पहले कहना चाहते थे, और हम 2 महीने पहले एमी से कह चुके हैं। कहा था एमी हमने तुमसे,
लेकिन समय पे कहा जाता है, क्यों? बापले खाए, बापले हैं, बापले सुमी बताओ बनते कैसे, मां पता है बनते कैसे बापले, बताओ। सुनो मां बता रही है, आटे की लोई पहले काय में उबालते हैं, पानी में उबालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हैं? पानी में उबालने के बाद वैसी की वैसी डालते हैं कि चिपट चिपट चिपटाते हो, उसको दबाते हो आप? हाँ, बाफले जो होते हैं ना, पहले पानी में उबालते हैं फिर उसको चिपटाते हैं। वो चिपटाते क्यों हैं पता है? अंदर भी पूरा सिक जाए, पानी निकल जाए, कच्चा ना रह जाए। और पहले डाल दो तो खा तो लोगे, पेट खराब हो जाएगा राजा भाई। सुन रहे एम बिनी बेटा, जब तक पक्का ना हो कोई व्यक्ति, उसका बैराग चरम सीमा पे ना हो, उसको वैसे ग्रंथ पढ़ने नहीं दी जाती, वैसी बातें सुनने नहीं दी जाती, उसकी श्रद्धा उठ जाएगी काय का मोक्ष मार्ग। ज्यादा कठिन भी नहीं पढ़ाते, ज्यादा सरल भी नहीं पढ़ाते। तुम पिछले 6 महीने से कह रहे थे महाराज जी पढ़ाओ पढ़ाओ, हमने नहीं पढ़ाया तुमको वो विषय, पता था अभी नहीं, लेकिन पढ़ाएंगे। आज गुरु पुष्य योग है, आज ज्ञान के क्षयोपशम बढ़ाने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा योग है। पंडित जी इसलिए आ गए जल्दी टाइम पे, बोले आज से ही पढ़ाई चालू होना है। थोड़ा हम देंगे, थोड़ा उनसे लेंगे, मोक्ष मार्ग की गाड़ी चलती रही। बोलो अप्रमेय सागर जी, हमको तो कल ईमानदारी से लगा कि हमारे रिपोर्ट कार्ड में नंबर नहीं पता कितने मिलेंगे, 33 की 99, लेकिन इतना पता है कि समाधि के लिए हम पास हैं। ईमानदारी से कह रहे हैं हम, क्यों? दिखना और होने में अंतर, साधु दिखना और साधुता होना अंतर है। आर्यन ईमानदारी से बोलना भाई, तुमको ऐसा लगा कि महाराज जी ने गलत जगह गलत कर लिया, दीक्षा ले ली, तुमको लगता कि नहीं कि साधु बनो तो? लेकिन बेटा और भी जगह तुम जाते हो, लगता कि नहीं लगता कि फालतू में परेशान हो रहे महाराज जी? ईमानदारी से बोलना बेटा, गलत नहीं बोलना, तुम ऐसा नहीं कि हमारे राग में बोल दो, लगता कि नहीं लगता? समझ में सब आता है राजा भाई। एक श्रावक से ने एक महाराज जी से कहा, बोले महाराज जी अज्ञानी मत समझो, बोले आप एक बार खाते हो रोटी, हम 2 बार खाते हैं। कई श्रावक हमें मिलते हैं तो हम उनसे कह देते हैं भैया तुम 2 बार खाते हो, लेकिन तुम जितना 2 बार में खाते हो उतना 1 ही बार में खाते हो, बुद्धि हमारे पास भी है। भाई किसी को अज्ञानी मत समझो, सत्य सब समझते हैं, लेकिन सत्य कहने की ताकत हर किसी में नहीं है। बाजार के मंदिर में लिखा था ना, भो ज्ञानी सत्य कहने के लिए भी शक्ति चाहिए, और सत्य सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए। अंजुल भाई शक्ति चाहिए। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वो है, जन्म जरा मृत्यु को नाश वही कर पाता है जो अपनी गलती स्वीकार पाता है, मायाचारी नहीं। जिसके पास आर्जव धर्म है वही मोक्ष मार्ग के लिए पंडित जी पास है। हमने नहीं लिखा, कुंद कुंद स्वामी ने गाथा लिखी है, जो चिंते न वक्कम, अप्रमेय सागर जी याद है? बोलो, जो चिंते न वक्कम न कुणदी वक्कम न जंपदे वक्कम नाया गोवेदि निदोषम अज्जौ धम्मो हवे तस्स। देखो राजा भैया, हम ईमानदारी से बताएं, ईट चूने के भगवान बिल्डिंग है, बनाना सरल है,
चेतन भगवान को बनाना कठिन है, और वो जो मंदिर बना रहे हैं वो हम चेतन भगवान के लिए ही बना रहे हैं कि जब तक मैं भगवान ना बनूं मैं भगवान बनाता रहूं। अंजुल भी, लेकिन दुख किस बात का होता है बताएं, बता दें। बेचारा भोला भाला प्राणी सुमी बेटा विष को ही अमृत मान के बैठा है। पूछो अभिषेक शादी कब हुई, 15 साल हो गए। जिस दिन शादी हुई थी खुश थे कि दुखी? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ, हम आपसे सत्य पूछ रहे हैं। जिस दिन शादी हुई थी उस दिन खुश थे? ऐसा नहीं है, सहज सागर जी कह रहे बहुत खुश थे। छन्नू है क्या? छन्नू को देख लो अभी, तुम आया था चला गया, अभी इतना खुश है? धीरे धीरे पत्ते खोलने दो, देवी भी सोचे कि कहां फंसे हम, देवता भी सोचे कहां फंसे हम। देखो सबसे ज्यादा खुश अंजुल भैया हैं, उनसे तुम सपने में ही पूछ लो अंजुल भैया शादी करना चाहिए क्या, बोले नहीं नहीं धोखे से भी नहीं करना चाहिए, सपने में भी नहीं करना चाहिए। ओ नेमीनाथ, अभिषेक भाई बेटा सुनो क्या कह रहे हैं हम, आपको लग रहा है कि मैं सही हूं लेकिन मानो आप सही नहीं हो। पहले स्वीकार लो कि मैं श्रावक धर्म अपनाऊंगा। गौरव शादी करोगे ना, मुनि बनने की शक्ति है तुम में? नहीं है, भाव नहीं है, ठीक है, आप ब्रह्मचर्य अनुव्रत लोगे यानी विवाह गृहस्थ धर्म स्वीकारोगे, ठीक है ना? लेकिन ये मान के चलना कि मैं सही नहीं हूं। लालू तुम मील खोल रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन बेटा अंतरंग में हमेशा यही रखना कि मैं सही नहीं हूं। तुम्हारी मील के लिए कोई आशीर्वाद नहीं है, एक दिगंबर साधु श्रावक को एक ही आशीर्वाद देता है जो श्रावक है, समाधि रस्तु। चांडाल नमोस्तु कर रहा है, वो हाथ में कटा हुआ जीव लिया ऐसा और नमस्कार कर रहा है। पंडित जी उसके लिए भी आगम में लिखा है, द्वेष नहीं करना, आशीर्वाद देना पाप क्षयोस्तु। कोई मिथ्या दृष्टि मिल जाए, भद्र मिथ्या दृष्टि, उससे कहना दर्शन विशुद्धि, तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। अब ये हर बार थोड़ा ना बोलेंगे, लेकिन मन में तो यही भाव रहता है, भगवान बेचारे जीव कहां पर्याय को देख रहे हैं, द्रव्य को कोई देखना ही नहीं चाहता। एक मिनट के लिए सोचो राजा भाई, पर्याय अगली पर्याय आपको कौन सी चाहिए? बिल्कुल नहीं घबराना, ईमानदारी से बोलना, जितने लोग यहां बैठे हैं हम गिनवा रहे हैं, आप बताना कौन सी पर्याय चाहिए, नरक में किस किस को जाना है? एक भी तैयार नहीं हो रहा। अच्छा पहले नरक में, सातवें में नहीं, नहीं चलेगा। अच्छा पहले नरक की सबसे जघन्य 10,000 वर्ष की आयु नरक की नहीं चाहिए, एक मिनट की भी नहीं चाहिए। आर्यन चलो नहीं, नरक वाली कैंसिल, तीन बची। तिर्यंच किस किस को बनना है? जानवर नहीं बनना, पशु पक्षी क्या दिक्कत है, स्वतंत्र उड़ते रहो, जिस डाल पे चाहे बैठो, नहीं बनना पक्का? क्यों बेटा बनना है? क्या नाम है आप लोग दोनों का? पर्व ध्रुव, क्यों पर्व बनना है? तिर्यंच पक्षी पशु, अच्छा शेर बन जाओ, हाथी नहीं चलेगा। चलो तिर्यंच भी कैंसिल, अब कितनी बची? दो बची। अब उस दो में से अपन एक में आते हैं, मनुष्य पे। मनुष्य के तीन भेद, स्त्री पुरुष नपुंसक। नपुंसक किस किस को बनना है? अभी सुनते जाना, नपुंसक बनना है बोलो आर्यन, नहीं बनना। चलो नपुंसक कैंसिल, स्त्री बनना है? किसी की इच्छा है? मां आप स्त्री बनोगे? नहीं बनना।
भैया आपको स्त्री बनना है, क्या नाम आपका? नीरज भाई, बनना स्त्री? चलो स्त्री कैंसिल। अब क्या बचा? पुरुष जितने हैं, ये ईमानदारी से बताना आपके जीवन में सुख है क्या? क्या दोबारा पुरुष बनने की भी इच्छा है? ईमानदारी से पर्व ध्रुव बेटा लग रहा है अभी तुम अभी जिम्मेदारी नहीं आई है। जिस दिन आएगी ना बेटा तुम भी बोलोगे पिताजी हमें 7 लाख वाली स्कूल में मत डालो, 50,000 वाली में डाल दो, हमें तो दुकान करना है। अभी कमा नहीं रहे ना, जिस दिन अभी से कमाओगे बेटा उस दिन तुम व्यर्थ का पैसा खर्च नहीं करोगे, ना लद्दाख जाओगे ना दुबई। सुमी सही है कि नहीं? देखो पंडित जी वो हमसे कह रहा था हमने गलती कर दी, इतने में जितने में हम दुबई थे घूम के आए पढ़ के आए रह के आए, इतने में हम भगवान कितने सारे भगवान रख लेते, सही है ना? तो मनुष्य भी नहीं बनना पुरुष भी नहीं बनना, भैया अब एक गति बची है कौन सी? देव। उसमें भी दो पाए हैं, ये तो देव बन जाओ या देवी। क्या बनना है? देवी बनना है? नहीं बनना देव। भैया देखो एक ही स्थान बचा बस जाने के लिए, अब कौन सा? देव। लेकिन देव में भी बहुत सारे क्लॉज हैं। बेंतर बनना है, भूत पिशाच एमी किन्नर किम पुरुष महोरव गंधर्व यक्ष राक्षस, भूत पिशाच ये बनना है क्या? कि भवनवासी ज्योतिष की लोकांतिक देव, देखो हम ये इतनी देर क्यों बोला हमने? उत्कृष्ट वस्तु प्राप्ति करने की सबकी इच्छा है, लेकिन उत्कृष्ट की प्राप्ति का पुरुषार्थ कितने लोग कर रहे हैं अपने अपने विचार कर लो। जो तुम करके आए हो एमी कल उससे मिल जाएगा तुमको लोकांतिक पद, नहीं मधुर उसकी तरफ मत देखो तुम बताओ। लेकिन सुनो जो तुम आज सुबह करके आए हो उससे तुमको लोकांतिक और ऊपर जाति के देव बन सकते कि नहीं? भाई सुबह इन बच्चों ने जितनी वंदना की हमारे साथ, मूर्तियों का अभिषेक भी किया और शांति धारा भी की। बेटा सुनो क्षेत्र हो तो पपौरा जैसा हो, तुमसे किसी ने मना किया कि यहां नहीं कर सकते? तुमसे किसी ने कहा कि आगे जाओ? बोलो गौरव किसी ने मना किया? विशुद्धि बनी कि नहीं? और वहां कहीं लिखा मिल जाता प्रवेश निषेध, परिणाम खराब हो जाते कि भगवान क्यों रखे हैं। नहीं व्यवस्था व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे खोले रहेंगे जो आए सो करते रहो, नहीं नहीं वैसा नहीं। आप समय पे आओ, किसी ने मना तो नहीं किया? चाहे तुम 1 नंबर में थे कि 14 नंबर में थे कि 20 नंबर में थे, सुनो विनय भाई अभी लोग बच्चे लोगों ने अभिषेक शांति धारा करके आए, ये मत देखना गौरव कि क्षेत्र को क्या आय हुई, ये देखना कि क्षेत्र की के कारण आपकी कितनी विशुद्धि बनी। भैया ये विशुद्धि लोगों की बनी रहे इसलिए तो आप लोग क्षेत्र संभाले हो, और किस लिए है? और क्या है? किसी के कहने से कुछ नहीं होता विनय, कौओं के चिल्लाने से है? अरे ढोर क्यों, हाथी नहीं मरते, ढोर थोड़ा ना अपन। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, जो होता है तो होता है, तू व्यर्थ में क्यों रोता है? हमें तो पंडित जी बड़ा आश्चर्य होता है, लोग आध्यात्मिक बनते हैं है नहीं, आध्यात्मिक बनते हैं है नहीं, अगर हो तो फिर दिखाओ कि आप कितने आध्यात्मिक हो। देखो हमारी तो कहानी खुली है, लालू हम जैसे यहां है वैसे कमरे में, अपनी किताब खुली है जो पन्ना चाहो सो पढ़ लो, हमारे कक्ष में जाओ तुम, हमारे
जहाँ पेंसिल रखी है वो डिब्बा खोलना सो खोल लो, कोई किताब खोल के पढ़ना सो पढ़ लो, हमारे पास कुछ भी प्राइवेट नहीं है, ठीक है ना। हम सामायिक करना है और हमको लग रहा है कि आज हमें अकेले में करना है तो हम भगा देते हैं, भाई चलो बाहर जाओ, और हमें लग रहा है हम सामायिक कर रहे हैं ये भी कर रहे हैं, हाँ भाई तुम बैठे रहो, कल हमारे साथ आप सामायिक में थे, हमने सामायिक करी, एमी तुमने सामायिक करी, बाहर जाते और सुमी बाहर मिल जाता, तुम उस समय अंदर नहीं आते, तुम 9 बजे अंदर आते फिर, सही ना मधुर, क्यों सीरियस बेटा। ध्यान रखना, दिखने और होने में अंतर है, लेकिन खन्ने भाई सत्य तब मालूम चलता है जब व्यक्ति सत्य जानना चाहे। संसार में बहुत दुख है, जन्म दुख है, जरा दुख है, ये जान रहे हो मान नहीं रहे हो। ये तो संजू भाई हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि काटो, आप केस लॉन्च करते मिलोगे। मानो नीरज भाई सत्य है, लेकिन सत्य बोलने वाला वर्तमान में असत्य ही कहलाएगा, क्योंकि असत्य को बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, सत्य को बोलने वाले लोग कम हैं, मानने वाले कम हैं। बताएं कैसे राजा भैया, विश्व की जनसंख्या कितनी है? विश्व की जनसंख्या लगभग 7-750 जितने करोड़ है, इसमें से जैन कितने? जैन कितने? 50 लाख, 1 करोड़ मान लो, चलो चलो पूरे विश्व के मान लो, चलो 1 करोड़ मान लो, अपना क्या जा रहा है, 1 करोड़ जैन यानी 700 करोड़ का 1 करोड़ कितना परसेंट बना बनाना। अब उन 1 करोड़ जैन में से दिगंबर कितने हैं? उन दिगंबर जैनों में से देव सास गुरु को मानने वाले कितने? किसको? देव सास गुरु तीनों को, ऐसा नहीं कि राजा सागर को कि सहज सागर को। कितने हैं जो मानते हैं और कितने हैं जो पूजा अभिषेक करते हैं? कितने हो गए? 1 करोड़ का कितना परसेंट आएगा हिसाब लगाते जाना। वो कह रहे परसेंटेज बचा ही नहीं भैया। राजा भैया और सुनो, तो अभी चैन नहीं मिली हमें, अभी और सुनो, कितने मानने वाले हैं भगवान को, कितने पूजा अभिषेक करने वाले हैं भक्ति से, कितने सम्यक दृष्टि हैं, और इसके विपरीत मिथ्या दृष्टि कितने हैं? सुनो सुनो लालू बेटा, सुमेरु में राई बराबर लोग, इतना अंतर है सुमेरु और सरसों, इतने जीव सम्यक दृष्टि, इतने मिथ्या दृष्टि, संख्या ज्यादा किसकी है? लेकिन सत्य सम्यक दर्शन ही है। सत्य को प्रताड़ित तो कर सकते हो लेकिन आप पराजित नहीं कर सकते हो, ये पक्की है, नक्की है। समय लगता है, समय लगता है। जब राम की धर्म पत्नी है ना सीता सती को रावण ने उठाया, बड़ा ढूंढा, ढूंढने के बाद मिल गई कि कहाँ है। जब तक नहीं मिली थी सुग्रीव कह रहा था पाताल नहीं सूर्य चंद्रमा हिला दूंगा, स्वधर्म का मुकुट भी ला दूंगा, हिला दूंगा अगर सीता को नहीं दिलाया तो। जैसे ही मालूम चला सीता को रावण ने हरण किया है, सुग्रीव कहता है भैया हमारी अंतापुर की स्त्रियां ले लो, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जितने विदेह क्षेत्र हैं उन सारे विदेह क्षेत्र में रहने वाली कन्याओं का विवाह मैं आपसे करवाऊंगा, सीता को भूल जाओ। कौन कह रहा है? सुग्रीव। पढ़ा पद्म पुराण में? क्यों? उसको पता है भैया असत्य की शक्ति ज्यादा है। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा मुझे सीता चाहिए है, कुछ और नहीं, क्योंकि मुझे सत्य चाहिए है, असत्य नहीं। गए थे दो युद्ध के लिए, युद्ध जीत के आए, सीता भी आई। समय लगा ऋषभ पंडित जी, समय लगता है, और
लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है, वो चाहे कमट हो, चाहे पारसनाथ हो, चाहे शंकर हो, महावीर हो। किस किस ने उपसर्ग नहीं किया, किस किस से उपसर्ग नहीं सा, जीत किसकी हुई? सत्य की जीत होती है। बस विजय भाई, एक मराठी में कहावत है, आज यहां नोट करके रखना अपने, शांतता ठेवा, बोलना पंडित जी, सांगून, शांतता ठेवा, बोलना। अब देखो एमी, हर दिन नई चीज सीखना चाहिए ना, आनंद आता कि नहीं? हमने बोल दिया आमेले, तो बिनी समझ गया कि अभी शांत रहो, अभी कुछ नहीं बोलना है, आमेले। कल आप लोग अंदर थे ना, हमने बिनी से कहा आमेले, चुपचाप चला गया। क्यों? उसको पता है कि महाराज जी कभी हमें भगाते नहीं है, कुछ कारण है, इसलिए कहा है जाओ। सही है ना बिनी? लेकिन भाई सुनो, जीवन की कैसी परिस्थिति हो बिना भाई, सुनो, शांतता ठेवा करना। कैसे? ऐसे करो, शांतता ठेवा, अपने हृदय से कहना, क्या? शांतता ठेवा, शांति रखो। अगर तुम सत्य हो तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। राजा भाई, शांतता ठेवा, शांतता ठेवा, यानी शांति से बैठो, भगवान की भक्ति बंद नहीं करना, देव सास गुरु श्रद्धा खत्म नहीं करना, लेकिन अपने अंदर ये बोलना, शांतता ठेवा। कितनी सुनामी आ जाए पंडित जी, कितने भूकंप आ जाए, वो भी शांत होते हैं। जीवन में कितने बड़ा दुख आ जाए अंजुल भाई, शांत होता कि नहीं? कैसे? कैसे? शांतता ठेवा। ये मराठी में बोल रहे हैं, कन्नड़ में कल बताएंगे। कैसे? शांतता ठेवा। जीवंदर स्वामी का समय था, पढ़ो छत्र चूड़ा मणि, क्या कथा है। उनको मालूम चला कि ये भूमि मेरी है और दूसरे राजा ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा युद्ध लड़ने जाऊंगा मैं। गुरु कहते बेटा शांत रहो, अभी अध्ययन करो, शांतता ठेवा, तेरा दिन आएगा। अंजल भैया, 2018 में हमें नहीं मिले होते आप, तो आज कहीं और होते आप। कौन से सूत्र से जीत हुई आपकी? शांतता ठेवा। कोई कितने ही करता तो दिखाए, आप क्या करना? शांतता ठेवा। एमी क्या करना? शांतता ठेवा। जब भी गुस्सा आए, ऐसा लगे कि अब क्या कर लूं, राजा भैया क्या करना? बाकी कल आपको हमने चार सूत्र दे दिए, कौन से हैं जी? खत्म। इन चारों में महाभारत समाप्त करने की शक्ति है। ये मत बोलो कि तुमने क्यों किया, ये सोचो कि उसने क्यों किया। कार्तिक बेटा, सम्यक दृष्टि जीव शांति का प्रयास करते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव अशांति का प्रयास करते हैं। ये हमारा कथन नहीं है, जिनागम का कथन है भाई। शांतता ठीक। पंडित जी, विषय बढ़ाने वाले जीव संसार बढ़ाते हैं और विषय घटाने वाले जीव संसार घटाते हैं। अभिषेक भाई, तुम्हारी और माना की, तुम्हारे छोटा भाई है बड़ा भाई, अकेले हो? माना कि आप दोनों भैया में कोई बात हो गई, लालू बोल रखा है क्या हुआ बताना, क्या हुआ बताना, और अच्छा वैसी कह दी उनने, तुमने सुन ली, समझ देना लालू नारायण नारायण, नारद जी आ गए हैं भिड़ाने के लिए। और जो बोले, अरे जान तो दो यार, अपने ही तो भैया हैं यार, कह दो सो कह दो, समझ लो वो सम्यक दृष्टि है, क्योंकि विषय समाप्त कर रहा है, विषय बढ़ा नहीं रहा। विनय भाई, हमसे ऐसे प्रवचन भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं कि कोई टीकमगढ़ नहीं, पूरे भारत की जनता को भड़काने की ताकत रखते हैं, लेकिन वैसे करते नहीं है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि ये काम नहीं करता है। बेटा पर्व सुन रहे हो,
कभी परस्पर में कोई बात हो जाए, विषय समाप्त करना, खींचना नहीं। गलती किसी की भी हो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। वो भी राजा भी सुन रहे हो, बहुत सारी चीजें देख करके हमको दुख होता है, लेकिन हम किससे कहें? आप तो हमसे बोल गए, इनको कोई तकलीफ तो इनने हमसे कह दी। अब गुरुजी तो है नहीं, तो हम किससे कहें? हम खाली पन्नों से कहते हैं। पन्ने कहते हैं शांतता ठेवा, दिन बदलेंगे, दिन बदलेंगे, धैर्य रखो। माँ संतान को जन्म दिया ना, दिया जन्म संतान को, पहले दिन से नौवे महीने तक की पीड़ा आपको ही पता है, किसी को नहीं पता, लेकिन धैर्य रखा, सब हुआ कि नहीं? ऐसे ही नंदी स्वर नहीं बना राजा भैया, ऐसे ही भगवान आदिनाथ नहीं बने। जब पत्थर शिला कट के आई थी उतनी बड़ी, तब देखो कारीगर ने कैसे एक एक टांकी लगा के बनाई है। उसको ही पता था कि धैर्य रखो, सत्य प्रकट होगा। कहने से नहीं होगा, जब तक उसका विपाक पूर्ण नहीं होगा तब तक प्रकट नहीं होगा। पंडित जी कोई यहां है जिसके हाथ से कभी भजिया जल गए हों? भजिया एकदम बिल्कुल जल गए, काले हो गए, हुआ कभी कि आप रख के भूल गए हो सो जल जाए? विभुद चलो एक मिला, कभी ऐसा हुआ ना बेटा? एकदम बिल्कुल जल के काली हो गई, लेकिन सुनो बेटा वो जल के काली क्यों हुई बताएं? नहीं, वो अति के कारण जली है। उसी अग्नि से तो भजिया बनते हैं, उसी तेल में तो भजिया सिकते हैं। अग्नि को दोष मत देना, तेल को मत देना, वो अति समय तक अग्नि में रही इसीलिए जली है। अति के कारण इति होती है। करो बताएं क्यों बता रहे हैं? हमने एक दिन आचार्य से पूछा, आचार्य से कि हम लोग यति सम्मेलन मिले, सो एक महाराज को आचार्य विराग सागर जी डांट रहे थे। पता कैसे डांट रहे थे लालू? बोले किसी के माई के लाल में ताकत हो तो उसको साथ में ले जाके दिखाए। उनको जाना था संघ से, सो भैया जैसे ही उनने ये कहा, सो जितने थे उपसंघ वाले सब ऐसे सन्नाटे में, भरी सभा में 200 पीछी थी। भाई दादा गुरु ऐसा बोले तो अपनी क्या बची, अपन तो मुंडी नीचे। सह सागर जी, जब बड़ी मछली करवट बदले तो सुनामी आती है, ध्यान रखना इस बात को। लालू अपने आप को बड़ा मान के मत रखना बेटा, बड़ा केवल समय से नहीं होते, बड़े पुण्य से होते हैं, बड़े साधना से होते हैं। और कोई जरूरी नहीं है 100 साल का दीक्षित मुनि आचार्य आदिका माता जी रह जाएं और 8 साल अंतर मुहूर्त में दीक्षा लिए बालक मोक्ष को चला जाए, कोई जरूरी नहीं है, जा सकते हैं। अरे भैया लालू वो भजिया क्यों जले थे? हमने आचार्य से पूछा कि इनको डांट रहे हैं, फिर अगले यति सम्मेलन में देखा उनसे कुछ नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कहा उनको, जो करना तो करो। उन्होंने ये तक नहीं बोला कि समय की नहीं, तुम्हें जो लगे सो करो। हमने कहा आचार्य श्री ऐसे में बिगड़ नहीं जाएगा? बोले बेटा तुम आचार्यों की नीति नहीं जानते, उसकी इति तभी होगी जब अति होगी। भाई कर लें दो, जितनी अति करेगा अपने आप पदच्युत होगा, शांत हो जाएगा। समझो समझो लालू, कोई एक बैनर होता है ना बैनर, उस ये फ्लैक्स वाले बैनर, तो कभी तुम उसको नष्ट मत करना। भाई जैसे चित्र बनाए आचार्य श्री का ये, और मानना कि पुराना हो गया बदलना है तो उसको जलाना नहीं, तुम धूप में टांग देना, धूप में टांग देना, उसका रंग अपने आप उड़ेगा, सफेद मिलेगा तुम्हें एक दिन, मिलेगा कि नहीं? तुमने कहीं उसको जलाया फाड़ा असाधना की है तुमने, वो नहीं करना। तुम तो धूप में टांग के छोड़ देना, क्या होगा धूप में टांगने से?
जब अति होगी तो उसकी इति, बस थोड़ा धैर्य रखो, शांतता ठेवा। ओ विजय भाई क्या करना, शांतता ठेवा। इससे बड़ा कोई सूत्र नहीं दे रहे आपको हम, क्योंकि शांति चाहिए है इसलिए शांतता ठेवा, और सुख चाहिए है सो आप जो चाहे सो कर सकते हो। देवी कहे अंजुल भाई मेरे कारण तुम महाराज जी के पास गए, बोला जी तुम तो हाथ जोड़ने वाला जी, बोला तुम सोच लो तो हम चले ही जा रहे हैं जी। एमी पापा बोले मेरे कारण तुमको जाने मिला है, बोलना जी, बोलना आप तो ऐसी सोचते रहो और हम वहीं जमे रहेंगे। कठिन है सत्य को स्वीकारना, कठिन है। यद्यपि इतनी देर बोल रहे हम एक घंटे, लेकिन विनय भाई निमित्त मिलते तो फिर वापस उबाल आता है। कोई बात नहीं, पारा चढ़ेगा फिर उतरेगा, चढ़ेगा फिर उतरेगा, एक दिन ऐसा आएगा कि चढ़ेगा ही नहीं। अंजुल भैया पहले आप हर दिन गुस्सा करते थे, ठीक है ना, अब कैसे हो गया, कैसे हो गया, शांतता ठेवा। एक टी शर्ट आती है आजकल बच्चे पहने घूमते हैं, उसमें लिखा रहता है अपना टाइम, अपना टाइम आएगा। हम बेंगलोर गए थे ना एमी, तो विल्सन गार्डन वाले जो अध्यक्ष थे उनने कह दिया कि मंदिर में जगह नहीं है, सुनो भी धर्मशाला में जगह नहीं है, मैं मंदिर के चबूतरे में सोएंगे, बोले जगह नहीं है, हमने अपना टाइम आएगा बेटा रुको फिर हम बताएंगे, मतलब कसाए नहीं, हम वहीं गए उनके घर में आहार हुए, चौका लगाया उस व्यक्ति ने। फिर हमने उनसे कहा भैया समय बदलते समय नहीं लगती, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। गौरव बेटा सबकी फाइलें आएंगी यहां, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, बस तुम इस सूत्र को ध्यान रखो, क्या शांतता ठेवा। इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हारे घर में चोर आ गए तुम बोले शांतता ठेवा, भैया वो अलमारी वहां है और चाबी तकिया के नीचे है, शांतता ठेवा ये नहीं चलता भाई, दोनों चीजें बताना पड़ेंगी ना राजा भाई। इसका ये मतलब थोड़ा ना है, अब आप खड़े हो कोई आया भैया हम चोर हैं, बोले हाँ तो, बोले गाड़ी चुराने आए, लो लो चाबी ले जाओ और ये 200 रुपए ले लो पेट्रोल डलवा लेना, शांतता ठेवा भैया ऐसा नहीं करना, सुरक्षा करना लेकिन कसाय नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। राजा भाई बनी बनी बिल्डिंगें जो टूट गई अभी वो कसाय के कारण टूटी हैं, समझते जाना। जितने बड़े बड़े महल किले बने क्यों टूटे हैं, कसाय के कारण टूटे हैं। जितनी मूर्तियां टूटी आहारजी में देखे ना बेटा, ऐसा लग रहा था कि हम बस रोए नहीं बस, राजा भैया इतनी सुंदर मूर्ति है कि आप इतनी बड़ी मूर्ति की अगर 10 लाख रुपए पॉलिश दोगे ना तो पॉलिश नहीं करेगा आज के समय का कारीगर, इतनी सुंदर पॉलिश है उस मूर्ति में, सिर उड़ा दिए सबके, किसी के हाथ किसी के पैर सब तोड़ दिया, क्यों, कसाय के कारण टूटा है। अरे उस जीव का छोड़ो, आप सोचो कहीं आप तो ऐसा नहीं कर रहे हो, दूसरे से क्या करना हमको, हम जब से यहां पर आए हैं हमने किसी भी चीज की चर्चा की आपसे, अरे सब मिले थे उसको गुरूर था, गुरु क्या मिलते। विनय भाई समझो कसाय सब कराती है, लेकिन व्यक्ति को कब समझ में आता है, जब उसका सत्य का चश्मा लगाता है तब समझ में आता है। वो 3D फिल्म नहीं देखी कभी, आजकल कौन सी डी आ गई है, 4D 5D हैं, उसमें क्या होता है चश्मा लगा के बैठो तो ऐसा लगता है कि हम लाइव में हैं, है कि नहीं, लेकिन वो चश्मा नहीं लगाओ तो पंडित जी कुछ नहीं दिखता, क्यों क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वो देखने की तुम्हारी अभी शक्ति नहीं, क्षोभसम नहीं है। चश्मा लगाओ अंजुल भाई सब दिखेगा,
लेकिन भाई सूत्र का दुरुपयोग नहीं करना, शांतता ठेवा। ये तो बोले जो है उसका दुरुपयोग नहीं करना लालू, किसका जो है सोहे का दुरुपयोग नहीं करना। ये तो तुम बोले अभिषेक भाई सोने की चेन दिखाना, खोली पहन ली, मतलब जो है सो है भाई। दुरुपयोग कैसे होता है? एक मटके की दुकान थी और लालू चला गया और उसने एक नीचे की मटका फोड़ दिया तो ऊपर के 10 और गिर गए। वो कहता भैया क्या कर रहे हो, बोले जो है सो है। अगले दिन लालू फिर गया, उसने एक लाइन और तोड़ी, जो है सो है। तीसरे दिन उसका पूरा खानदान खड़ा था और फिर उसने लालू को तोड़ा और फिर कहते जो है सो है। भैया ऐसा जिन आगम के सूत्रों का दुरुपयोग नहीं करना, शांतता ठेवा, यानी आप शांत रहना, अपनी कसाय को शांत रखना, लेकिन अपनी सुरक्षा जरूर रखना, किसी की हिंसा नहीं करना, न अपने परिणामों की हिंसा करना, न किसी की द्रव्य की हिंसा करना, अपनी सुरक्षा जरूर रखना। दिन आते हैं दिन जाते हैं, कभी स्कूल में फेल नहीं हुए कोई, ऐसा कोई जो फेल हुआ हो है? अंजुल भाई कौर तुम देखो, जितने फेल हुए सब सफल बैठे हैं, हम भी हुए हाफ ईयरली में, फाइनल में नहीं हुए है, बारहवीं में, चलो राजा भैया भी हुए हैं तो, पर तुम टेंशन मत लेना कम नंबर आए तो। सुनो ध्रुव, फेल हुए कि नहीं, कभी कोई नंबर कम ज्यादा आए कि नहीं एम ही है? वो सुमी कह रहा आए ही नहीं, नंबर ही नहीं आए। सुनो बेटा, लेकिन वो दिन कहाँ है? सब गड्ढे भर जाते हैं, सब गड्ढे भर जाते हैं। कोमल दादा, पिताजी कहाँ हैं आपके बताओ, पिताजी कहाँ हैं आपके? उस दिन आप रोए थे कि खुश हुए थे? पिताजी के जाने पे रोए थे कि खुश हुए थे बताओ, पूछो सुमी मिनी। अच्छा सब रो रहे थे इसलिए आप रो रहे थे। अरे चलो इससे पूछ लो लड़के से, क्यों बेटा बड़े पापा थे तुम्हारे, शांत हुए थे अभी छतरपुर में, छतरपुर में कौन थे तुम्हारे? दादाजी थे। तुम रोए थे उस दिन, तुम तो हमारे पास भी रोए थे, लेकिन फिर अब गड्ढा भर गया। क्यों अमित बेटा, दुख के दिन आते हैं निकल जाते हैं, गड्ढा भरता कि नहीं? गड्ढा भर जाता है, समय के साथ सारे गड्ढे भरते हैं। एक आंधी तूफान आएगा सब बराबर हो जाएगा। रोए थे लेकिन ये तो बताओ, फिर मताई और पिताजी से राग था तो फिर संस्कार का है कि ये घर पे रखे रहते, पपौरा में उनके नाम पे कमरा और बढ़िया बना करके उसी में उनकी शरीर को रखे रहते, या विनय की होटल में रखवा लेते। विनय रखवा लोगे? विनय बोले भैया पिताजी से, बोले आपने नहीं रखे तो हम आपका भी नहीं रखेंगे। क्यों? लेकिन उनके जाने पर जो दुख हुआ था वो गड्ढा भर गया। कैसे भर गया? समय के साथ सब भरता है, सारी समस्याओं का समाधान समय है। एक बैनर बनवाओ विनय भाई, कार्यालय में अपने लगा के रखना, सारी समस्याओं का समाधान, सारी समस्याओं का समाधान। देखो एक बात और बता दें अंजुल भैया, हम सफाई वो दे जो चोर हो। अपना तो सीना ठोक के बोलते हैं सफाई वो दे जो चोर हो, हम चोर नहीं, हम काहे की सफाई दें? हाँ व्यवस्था तो है वो बता देंगे, लेकिन हम सफाई नहीं देते। कोई बोले महाराज जी क्या कर रहे थे अंदर, तुमको क्यों बताएं? तुम कोई कलेक्टर हो भाई? हम तीनों अंदर थे, बात कर रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, तुमको क्यों बताएं? पिछी परिवर्तन था, हमने गेट लगाया, सबको बाहर निकाल दिया, हमने चर्चा की भाई पिछी किसको देना है इस बार, क्योंकि कल पिछी परिवर्तन है, इतना लोड नहीं लेते हम लोग पहले से। बोलो सहसागर जी, अपन ने एक दिन पहले चर्चा की पिछी किसको दें,
चर्चा की भाई इनके व्रत अच्छे इन इनको दे दें, बात खत्म फिरी। अब माना कि एम ही पूछ रहे हैं, क्या चर्चा हुई महाराज जी, तुमको क्यों बताएं, तुम पिताजी हो हमारे, तुम सब बताएं, सफाई क्यों दें, कल मालूम चल जाएगा स्टेज में, तुम टेंशन मत लो। सो भाई अपन से तो कोई पूछना पास नहीं, नहीं। और हमसे पूछा सो भाई अपन डायरेक्ट बोलते हैं, विजय भाई अपन उधार रखते नहीं किसी की, सफाई देते नहीं, उधार रखते नहीं, फ्री। तुमने एक दिया है, ब्याज सहित डेढ़ वापस कर देंगे। एक महाराज से तुम्हारे राजेश भैया बोल आए थे, बताएं, बोले देखो महाराज जॉन के बारे में जो बोलने सो बोल लो, लेकिन इनके बारे में कछु नहीं बोलना। बोले आप एक दिन बोलोगे, ये 30 दिन तक सुधारेंगे, जब तक नहीं सुधरोगे तब तक समझाएंगे। हम कसाई नहीं रखते, हम गुस्सा नहीं करते, व्यक्ति को समझाते हैं, लेकिन हमसे कोई सफाई मांगने मत आना, नहीं तो तुम्हारी फाइल भी हमारे पास है। सुन लो लालू बेटा, तुम्हारी फाइल भी हमारे पास है, तुम कोई सूद्रे नहीं हो, तुमने क्या क्या हरकतें नहीं की, तो सुन भैया शांत रहे ना हमारे सामने, तुम्हारी फाइल भी हमारे पास है। सुमी समझ गए, मधुर तुम्हारी फाइल है कि नहीं, ऋतिक तुम्हारी फाइल है कि नहीं, अमित है, बताओ, वो तो कह रहा हाओ हाओ। देखो राजा भैया हम बोलते नहीं, हम देख लेते हैं एक बार में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन समय आएगा सबको सब सत्य मालूम चलेगा, बस शांतता ठेवा, शांतता ठेवा रहा संसार का अंत होगा, और तुमने अशांत रहे संसार बढ़ेगा। भैया अपने द्रव्य पर भी दृष्टि ले जाओ, तुम मुनिराज बनने की योग्यता रखते हो, सिद्ध बनने की योग्यता रखते हो, तो बन भी सकते हो, आपका समय हो गया। समझ में आया, शांति मिली कि नहीं राजा भाई, शांति। कल हमने आपसे कोई चर्चा नहीं करी, केवल श्रवण हुआ है, हमने कुछ आदान प्रदान नहीं किया, क्यों बताएं, बहुत सारी बातों को सुन लो तो शांति मिल जाती है। जैसे हम बताएं, माना कि किसी से हमारी दो बातें हो गई संग में, सो आचार्य जी के पास चले जाओ लालू और सब बता दो, बोलेंगे बताते हैं, तुम ठंडे हो गए, कल सुबह तुम आए उनने प्रवचन कर दिए, लालू और ठंडा, दो दिन बाद प्रवचन कर दिए और ठंडा, अब पूछते क्यों, बुलाए उसको, अरे रहन दो आचार्य सी जान तो दो यार, ये भी नीति है, सुनो लेकिन अपरमेय सागर जी ऐसी सुनो कि जैसे कि अग्नि के कुंड में गया तृण का दाना, कहो नहीं, उसने अपनी श्रद्धा मान करके आपको सत्य बताया है, उसकी बात बताओ मत, जो बताने लायक है बताओ, जो बताने लायक नहीं है उसको मत बताओ, उसने अपनी श्रद्धा से बताया है, इसलिए हमने कल सबको बाहर कर दिया, जाओ क्यों भैया, हर किसी के बस में नहीं है शांतता ठेवा। क्या हो गया आर्यन, तुमको 1200 तो नहीं दिख रहा कहीं, इधर सुन बेटा शांतता ठेवा। एक बार आर्यन को एक ने कहा सागर में, बोलेंगे उठवा लेंगे, आर्यन से कहा, आर्यन हमसे कहता महाराज जी भी उठवा लेंगे, तो हमने कहा प्रवचन में उत्तर देंगे, हमने कहा बेटा आदित्य सागर का भजन तुम्हारे ऊपर इतना है, कोई की ताकत नहीं उठा ले, तुम टेंशन नहीं लो, अभी हम हैं, जब हम नहीं रहे तब तुम सोचना, अभी तुम बिल्कुल टेंशन लो, तुम्हें कोई नहीं उठाएगा, अभी तुम कैमरा उठाओ बस, समय हो गया, कल अपन चर्चा करेंगे। अरे जिन देशना सुनने के बाद आनंद नहीं आए, शांति नहीं हो, तो फिर जिन देशना किस बात की है, और जिस प्रक्रिया को देख करके अल्ली भाई कसाए भड़के, वो काय की प्रक्रिया है भैया, हमें तो इतना पता था, बचपन से बताया गया है कि अपने घर की औरतें बाजार नहीं जाती, पुरुष लोग बाजार से सामान लाके दे देते हैं, ऐसे ही है ना, क्यों भाई सुमी, बिल्कुल ऐसे ही है बेटा, पल्ला ऊपर नहीं होता। अब क्या समय आ गया है,
कि अब पल्ला ही नहीं बचा, पल्ला नहीं बचा लालू। और बताएं, सारे दिन बदलते हैं पंडित जी। जब पानी अपनी मर्यादा छोड़ता है तो नाश होता है, और वाणी अपनी मर्यादा छोड़ती तो सर्वनाश होता है। जब पानी मर्यादा छोड़े तो नाश होता है, और वाणी मर्यादा छोड़े तो, और स्त्री मर्यादा छोड़े तो कुल का नाश होता है। बिल्कुल, हम आपको श्लोक चाहिए तो श्लोक बता देंगे, तुम टेंशन मत लो। हम जितना बोल रहे हैं आगम से बोल रहे हैं, किसी को पूछना हो डायरेक्ट पूछना, पीठ पीछे कहे उसको क्या कहना, नारायण प्रियम। बेटा आज के प्रवचन पूरे टीकमगढ़ भेज देना, बोले पीठ पीछे कोई बोले साधु के लिए, किसी श्रावक के लिए, उसको बोलना नारायण। आप तो शांतता ठेवा रहे ना भैया, राजा भैया देवी से बोल देना हमारी तरफ से, बोले तुम मर्यादा में रहो, ये हमारे कुल की इज्जत है, तुम्हारे कुल की इज्जत है, और तुम कहीं चौराहे पे बैठी मिल गई तो तुमने अपने पिता को लजा दिया, पति को भी लजा दिया। गृहिणी का मतलब होता है घर में बैठो, घर को संभालो, संसार को मत बिगाड़ो, समाज को मत भड़काओ। गृहिणी का काम है आप अपना काम करो, हम अपना काम कर लें। आर्यन बताओ, पूरे कुल की लजा दो तुम जाके बाहर चिल्ला चिल्ला के, क्या रह जाएगी। मां आप तो नहीं थी परसों, आप लोग तो नहीं थे परसों, ठीक है जितने नहीं थे भाई उनकी फोटो संभाल के रखना, जितने थे जितनी थे उनकी फोटो रखना अली भाई, और अच्छे से देखना, और सबसे बोलना भैया इनके कुटुंब में अपन को शादी नहीं, दूर रहने इनसे, काहे जब भैया गोदाम ऐसा है तो माल कैसा होगा। भैया तुम पता कर लेना तुम्हारी अभी होने वाली कहीं का तो फंस ना जाए तुम्हारी लिए कोई। और सुनो आजकल सुनो लालू, ये भी लालू है, सुन गौरव बेटा जब हो शादी तो पूछ लेना कहीं धरना प्रदर्शन तो नहीं किया तुमने, पता चला तुम्हारी हमसे हो जाए तो तुम घर के बाहर धरना लगा दो फिर। कोई बात नहीं, उसकी क्यों टेंशन ले रहे हो वो आप। हाँ शांतता ठेवा करना, लेकिन अपनी रक्षा भी करना, क्यों, ताकि कोई दोबारा ऐसा काम ना करे। ओ भाई प्रियम सबसे बोल देना आज प्रवचन सुन लो, माँ से कहना ध्यान से सुन लो, और तुम देवी लेने जाओ तो कुंडली में ध्यान से देखना, उसमें लिखना कहीं धरना तो नहीं करा, वैसी लड़की चाहिए है। अरे भैया तुमने कहीं नमक ले आओ, उसने कहा तुम नहीं लाए, तो धरने बैठ गई बाहर, फिर क्या करोगे तुम, बोले हमारे पति नमक नहीं लाए। भैया ओ भाई युवराज अपनी बेटी की शादी करो तो बोलना हमारी बेटी कभी धरने में नहीं बैठी, भली टीकमगढ़ की है, अलग से लिखना तुम। अरे केजरीवाल नहीं बनना, मोदी बनना, शांति से सब काम करना, समझ गए। ओ भाई पंकज भाई, ओ अमित तो अपनी कुंडली में भाई जितने टीकमगढ़ के सबसे बोल देना भैया विषय बहुत बढ़ चुका है। ओ कार्तिक पापा से बोलना हमारी कुंडली निकाल तो उसमें लिख देना कि हमारा बेटा कभी धरने में नहीं बैठा है, हमारे कुल की धरा के नहीं लजा के नहीं आया है, ठीक है। और किसी को विकल्प हो सो हमसे बात करें, अपन डायरेक्ट बोलते हैं। आप सभी अपने अंतरंग में शांति का विस्तार करें, कसाय का विसर्जन करें, क्योंकि आनंद शांति में है, शांतता ठेवा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। नमः सिद्धेभ्यः। जिनाधीशं नमः।